अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्लॉगर इमी। तो स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ दम्माम। क्यों, एक मिनट बताता हूँ। क्योंकि कफील ने लिया है सत्ता और वो हमको लेके आना है। सत्ता यानी फ्लैट बेड, ओके। वो उसके घर के पास में है तो वो मैं और हैदर लेने जा रहे हैं गाड़ी के साथ में। गाड़ी वो रही वहाँ पे, ड्राइवर वो भी लोकेशन दे रही, वो जा रहा है वहाँ पे। तो काम करना पड़ेगा ना, चाहे 2:30 बज रही है चाहे 3 बज रही है। नाइट की ड्यूटी है तो क्या हुआ, दिन में अगर थोड़ा बहुत काम आ गया तो वो करना ही पड़ेगा ना। चलो चलते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। ओके तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने से पहले एक बार बीच में रुक गए क्योंकि तरबूज की गाड़ी दिख गई और तरबूज ख़त्म हो गया था। तो मैं और हैदर साथ में ही है, यहाँ से तरबूज ले लेते हैं। ये यमनी है, सऊदी लग रहा है, पता नहीं, अब आई डोंट नो कौन है। हम आधा ले लेंगे, बड़ा ले ले मीठा। तरबूज, अच्छा सही है। ये बोल के दे रहा है, मीठा है, हो जाने की बात पता चलेगा। मैंने हैदर को बोला एक बड़ा ले ले ताकि उसको बाद में आधा कर लेंगे। रेट वही 25 रियाल 30 रियाल, ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा। एक मिनट में आपको बैक कमरा करके दिखाता हूँ। तो चलो ले लिया, तवक्कल अल्लाह है, वो कटने के बाद पता चलेगा कैसे निकले। फिलहाल तो विश्वास पे ले लिया। चलो अब चलते हैं जहाँ पे सत्ता लेने जा रहे हैं। ओके, अब मिलते हैं आपसे वहाँ। तो चलो भाई, फाइनली पहुँच गए जहाँ पे हमको आना था सत्ता लेने। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं सत्ता किस हालत में है। सही हालत में नहीं है, ये सेम स्क्रैप है, ये मतलब कचरे के जैसे। अगर कोई नहीं लेगा तो मालिक जो है वो कचरे में बेचेगा, लेकिन कफील ने लिया है क्योंकि हमारे पास मैकेनिक और वेल्डर दोनों हैं, तो हम इसको एकदम इसको नया रूप दे सकते हैं। तो अभी कचरा लेके जाएंगे, हाँ थोड़ा पैसा लगेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये वापस बिल्कुल चलने जैसा नहीं, उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि हमारे पास है मैकेनिक है, वेल्डर हैं, फिर मतलब पैसा लगा देंगे तो हो जाएगा। एक मिनट में आपको सत्य की झलक दिखाता हूँ, हंसना मत देख के कि ये क्या ले लिया कचरा, ये जब बनेगा ना तब देखना। सही है, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। तो ये सत्ता है तो हमारे मतलब का ही, क्योंकि फुल लेंथ ही है, 17.5-18 मीटर का है, जो हमको चाहिए उतना ही लंबा है। लेकिन बस थोड़ी सी जर्जर हालत में है, जर्जर मतलब कुछ ज़्यादा ही जर्जर हालत में है, बेकार हालत में। तो बहुत ज़्यादा मेहनत, थोड़े बहुत पैसे और टाइम लगेगा, लेकिन हो जाइएगा। ये गाड़ी इसको लेने आई है, ये भी ये ड्राइवर लेके आया है, हमारी गाड़ी है, ये लेने आई है इसको। तो चलो वो करेन को फ़ोन किया क्योंकि करेन ही उठाएगी इसको, वो जो झुका हुआ है ना वो उठाएगी, तभी तो वो गाड़ी पर रखा जाएगा पीछे। वो उसको उठाएगी, करेन को फ़ोन किया है, करेन आने वाली है, जब करेन आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे रखा गया कैसे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं करेन आने के बाद में। ओके, तो चलो यहाँ पे आ गई है करेन, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सत्ता ये उठाएंगे, कैसे इसके अंदर गाड़ी डालेंगे, कैसे होगा सारा प्रोसेस, क्योंकि इसकी टांगे नहीं है ना सत्ते की, ऐसा लेटा हुआ है ये मुर्दों की वजह से, तो इसको उठाना पड़ेगा ना रस्सी से बांध के। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको उठाया जाता है, कैसे इसको लगाया जाता है। सही है, चलो भाई देख लिया आपने, हो गया कनेक्ट गाड़ी से सत्ता, ये भी रेडी है पूरा, इसको देख लिया, तरतीब कर लिया, अब निकलने की बारी है। निकलते हैं, चलते हैं गाड़ी में, वहाँ बात करते हैं आपसे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है इसका, है ना। हाँ जी, देख लिया, चलो निकल गया सत्ता और मैं भी निकल गया, आ गया अभी वर्कशॉप में आ गया मैं। तो फ़ायदा नुकसान की बात है, ऐसे अगर आपके पास जैसे मैकेनिक वेल्डर वगैरह वर्कशॉप है तब आप ऐसी चीज़ ले रहे हो तब तो आपके फ़ायदा है, नहीं तो फिर ऐसी चीज़ लेने में कोई मतलब नहीं है जिसकी आप केयर नहीं कर सकते या जिसको आप सुधार नहीं सकते, है ना। अभी जैसे ये हमने, एक मिनट बाहर निकल जाता हूँ मैं, तो अभी जैसे हमने ये लिया है तो
तो क्योंकि हमको इसमें फ़ायदा दिख रहा है अपना, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास मैकेनिक है, वेल्डर है, तो ये काम कर सकते हैं। सिर्फ सामान के पैसे लगेंगे वो मुमकिन 5 से 7 हज़ार रुपये लग जाएंगे, 5 से 7 नहीं, 4-5 हज़ार के तो टायर रहेंगे, यानी 7-7.5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो 8-9 में लिया 7-8 हज़ार रुपये लग जाएंगे, यानी पूरा बन बना के ये 16-17 हज़ार में आ जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 18 हज़ार तक हो जाएगा, ये पूरा रेडी हो जाएगा 18 हज़ार तक। लेकिन अगर यही सत्ता आप अच्छी कंडीशन में लेने जाओगे ना, तो आपको 22 हज़ार 23 हज़ार इतना लमसम इतना आपको पक्का मिलेगा, तो सही है ना। अब देखो ये सत्ता लाया हुआ पड़ा, बिल्कुल अभी रेडी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है रेडी। तो चलो फिर आ गए, अभी 4:30-5:15 हो रही है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना, भले ही कहने को रात की ड्यूटी है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो दिन में भी जाना पड़ता है कि नहीं है। अब देखो 2:30-3 बजे निकले थे, अभी आए हैं धूप में, क्या कर सकते हैं। वैसे चलो कोई नहीं, फौजी था मेरे पास तो वो तैयारी कर रहे हैं, फिर उसने कर भी ली होगी, बाकी जो फ्राइड है, चने की चाट बनानी है, भजिए बनाने हैं, वो आप बनाएंगे, सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, और रमज़ान चल रहे हैं तो इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त अपना बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मैं मिलूंगा आपसे कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।